अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अकीब गिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैं इस्लामाबाद गया था कुछ जगहों पे, जैसे कि अमांबरी दरबार, खानपुर डैम और हरिपुर से आगे जब गाँव आता है, बहुत ही खूबसूरत गाँव है। मैं गया था, बहुत इंजॉय किया, पहाड़ों पे बहुत पसंद पहाड़ थे, झरने, तो बहुत अच्छा नज़ारा था, पुरसकून माहौल था। पहले हम यहाँ से गए इस्लामाबाद, तो आप इस्लामाबाद तक देखें, उससे आगे फिर बताता जो यार अभी आए हैं हम इमामबाड़ी दरबार पे, तो रश बहुत है यहाँ पे। टाइम यार तकरीबन 7 बजे और अभी फारग हुए हैं हम यहाँ से, नियाज वगैरह दे रही थी यहाँ पे, देख अभी रश वगैरह देख ही रहे हो आप। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं जब शरीफ, जहाँ पे आना था हमको, ये मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं। तो अभी रुकेंगे हम थोड़ी देर यहाँ पे। तो अभी यार तकरीबन सबका प्रोग्राम बना है कि जाएंगे हम ऊपर, तो ये भी हम नीचे खड़े हैं, तो जाना है वहाँ ऊपर, वो आई थिंक नज़र आ रहा होगा, ऊपर जाना है। तो चलते हैं, दिखाते हैं रास्ते में आपको कि रास्ता कैसा है। खुद ही तो यार जैसे कि सीना खुद ही चेक कर सकते, कितना प्यारा। हमें मिला है थोड़ा सा होटल, यहाँ से कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी लेंगे, उसके बाद चलते हैं आगे। ऊपर जाने का आसान रास्ता, आपने छज्जा शहर पे जाना है या जब कहाँ पे जाना, नज़दीक कौन सा है, नज़दीक जो है ये जब वाली जब वाली।
वो कहीं इधर नज़दीक ही है ना, थोड़ा आगे जाएंगे ना जी, ये भाई रोड है सीधा, वो अफशान तक चला जाए। ठीक है, वहाँ तो अभी यहाँ पे यार एक सड़क मिली है मुझे, जो बताई उन भाई साहब ने कि ये एक पक्का रास्ता है जो जाता है वहाँ पे, तो ये थोड़ा आसानी हो गया, मतलब चढ़ाई तो है लेकिन चलने में आसान है काफ़ी, वो चट्टाने वगैरह नहीं है। साउथ अफ्रीका है, मैं साउथ अफ्रीका, बट माय कजन इज नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हेल्दी, ये साउथ अफ्रीका से चला जाता है, साउथ अफ्रीका थोड़ा यार एक बंदा मिला है हमें जो कि हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन ये बोलता काफ़ी है, मुझे लगता है शायद ये रात को बंदरों के साथ महफिल करता है। राइट राइट राइट, अभी मैं बंदरों के साथ ही हूँ, परेशानी नहीं है मुझे। ये जो पहाड़ है, पहाड़ में जा भाई, ये देखे ये मेरे पीछे भी, तो काफ़ी दूर आ गया हम यहाँ से, रोड थोड़ा टूटा हुआ आ गया, लेकिन आगे चल के फिर हो जाता है सही। और सब लोग थके हुए हैं, सांस फूले हुए हैं, लेकिन ऊपर तो जाना है भाई। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ यार, साइड पे मतलब बिल्कुल साइड पे सड़क के, रोड के साइड पे खुले में अनार के दरख्त हैं, सेब के दरख्त हैं, खुबानी के दरख्त हैं, सेब लगे हैं हुए हैं। आपको क्या बने भाई? सांस फूल रही है। सांस फूल रही है, अच्छा सांस इतनी क्यों फूल रही है आपकी? यार ये प्रैक्टिस ने की ना काफ़ी दिनों से। अच्छा चलने की, तो आपको पता नहीं था ना यहाँ पे? यार ये अचानक प्रोग्राम बने वाला, अच्छा प्लानिंग नहीं थी, गाड़ी भी पीछे हम खड़े करके आ गए, गाड़ी पीछे गाड़ी जा नहीं सकती, बड़ी गाड़ी मुझे है। तो भी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, ये पुल बना हुआ है उस साइड पे, यहाँ से ही आता है पानी ऊपर से पहाड़ों से ना, तो यहाँ से गुजरता है ये नीचे, उसके बाद फिर अगली साइड से निकल के वो फिर आगे जाता है घरों की तरफ, तो पानी बिल्कुल शफाफ है, ये चलता रहता है ऐसे ही। ओह ये चेक कर, ये चेक करें चश्मा, पानी में चश्मा होता है, ये चेक करें यार पानी, लोग यहाँ से पानी पी भी रहे हैं और पानी चेक कर रहे हैं बिल्कुल साफ, कैसे मेरे हाथ पे देखे, मैं दिखाता हूँ अंदर लेके जाओ पानी, बिल्कुल साफ भी यार। ये सब भाई लोग यहाँ से पानी पी रहे हैं, मैंने भी पी है, पानी काफ़ी मीठा है और मुँह धो रहा है, काफ़ी ठंडा है, बर्फ़ की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे आप जून में है जुलाई में है, यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है, भी अच्छा मौसम है। और ये गाड़ियाँ जो मैं आपको गाड़ियाँ बोल रहा था ना, जो कार वगैरह या ये छोटी गाड़ियाँ ये आ सकती हैं, ये यहाँ से आ सकती हैं, वो मैंने कर दिया तो, लेकिन बड़ी गाड़ी हाई एस वगैरह जो हमने बड़ी गाड़ी ले के आए थे, फैमिली है मेरे साथ पूरी, तो इसलिए वो आगे नहीं ले के आ सके, लेकिन जा रहे हैं अभी हम ऊपर, काफ़ी हद तक ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी और ऊपर जाना है, वो सामने हमारे भाई लोग आपको नज़र आ, उस रास्ते से आए हैं अभी ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर जाना है, तो चेक करते हैं यार। मतलब तो मैं बता रहा था आपको यहाँ पे सेब का दर, तो ये सेब का दर है यहाँ पे, अभी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि लगे हुए अभी छोटी छोटी, और वो सामने अनार का है, अनार भी लगे हुए हैं लेकिन अभी छोटे हैं, तो फिर कभी ये घर है, घर भी बहुत खूबसूरत यहाँ के बने हुए छोटे छोटे, और पुरसकून माहौल है यार। अभी जाना वो ऊपर है, वो जो ऊपर घर नज़र आ रहे हैं, ये देखिए रास्ता देख लें, अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया हमें चलते हुए, लेकिन सफ़र अभी काफ़ी बड़ा हुआ है, देखते हैं। तो ये हमारे भाई थक के बैठे हुए, क्या हुआ कभी किसी को ये मत कहना कि आधे रास्ते तुम मुझे खाओ और आधे रास्ते मैं उठाता हूँ यार, पहले तो अच्छा लगता है, बाद में ना बाद में एक घंटा और लगेगा, ये बाइक के आगे का कितना टाइम लगेगा भाई? एक घंटा और, एक घंटा और लगेगा, देखिए भाई ये कह रहे हैं एक घंटा और लगेगा, अभी इसको देखिए कह रहे हैं एक घंटा और लगेगा, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे वहाँ पे जाना, लेकिन रास्ता यहाँ पे यहाँ से जाता है रास्ता, तो कह रहे हैं कि एक घंटा और लगेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ
यार ये भी बैठूँ यहाँ पे, शॉर्टकट लिया था लेकिन फिर भी तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए लगातार चलते। बाकी सब लोग वो ऊपर चले गए, वो ऊपर, हम लोग इधर बैठे हैं, थक गए यार, हालत बहुत टाइट है। कैसा लग रहा है यार? कुछ नहीं कहेंगे, हुआ क्या है बताएं तो। 6 घंटे हो चुके हैं भाई, ठीक है, लगातार लगातार चल रहे। अभी तो 1 घंटा उधर बैठे भी हैं, स्टे भी किया, तो अभी देख लें सबकी हालत। आपको कहना चाहेंगे? नहीं भाई मज़ा आया, कोठे पे चढ़ गई है हालत। क्या हुआ है? कोई जेब चोरी करके ले गया? लंगड़े से पूछे, लंगड़े, ये लंगड़ा होगा चलता है। हाँ भाई आपके साथ क्या हुआ भाई? इसका दर्द निकल गया पैर का। क्या क्या हालत, शूज भी टूट गए। जूता दिखा दो अपना यार, ये देखे कितना चला है के बेचारे का। पॉकेट में डाला और इसने पॉकेट में दे, तो ये होता है भाई, पैसे लगाए हैं जूते पे लगते हैं इसके, हक लाल के लगाए हैं ना। तुम्हारी वजह से? अच्छा मेरी वजह से? हाँ दानिश हुसैन, क्या सूरत हाल है? फिर भी नहीं पहुँचे, बस पहुँचने वाले हैं। ये हमारे एक भाई की ना पाँव फ्रैक्चर हो गया, मोचा आ गया, तो ये देखें क्या बात है यार। तो यार फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था। वाटरफॉल चेक करवाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, लोग नहा रहे हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Assalamu alaikum friend, abhi hum ja rahe the wapas, raste mein ye aata hai, kaun sa dam hai? Khanpur dam. Khanpur dam aata hai, to sabne planning kiya hai ki yahan pe ruke. Time takriban hue hain abhi subah ke 5:45 हुए हैं और हम यहाँ पे हैं अभी। वैसे यहाँ पे कोई नज़र हो रहा तो नहीं रहा, लेकिन देखते हैं क्या सीन है। कि टाइम तो सुबह का था, मतलब अभी काफ़ी सुबह है, लेकिन एक कश्ती वाले भाई आ चुके हैं यहाँ पे, तो हम जाएंगे इंशाल्लाह आगे। बस दुआ करें कि कुछ हो ना, ये मेरा पहला सफ़र है, पहली राइड है मेरे। पानी से लगता तो मुझे डर ही है, कोशिश करते हैं।